वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन पर जाके ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी ओर से लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आपके हमारे चैनल टेक्नो पांचाल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ मैंने एमआई यूज़र्स के लिए बनाया है, वो लोग जो कि एमआई के फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन में MIUI 13 के विडजेट्स को इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों अभी तक MIUI 13 का जो अपडेट है वो नहीं आया है और काफ़ी सारे लोग ये चाहते हैं कि वो अपने MIUI 12 में MIUI 13 के विडजेट्स को इंस्टॉल कर लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहना। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो पांचाल को सब्सक्राइब करें इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और साथ ही साथ में गाइस इस बेल आइकन पर जाके ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि जब कभी मैं कोई टेक्निकल वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले गाइस आपको मेरी ओर से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस चलते हैं यहाँ पर होम स्क्रीन पर, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने अपने फ़ोन में देखिए विडगेट्स लगा रखा है, जैसे कैलेंडर का है। जैसे आज 4 तारीख है तो यहाँ पर 4 कलर में रेड आ रहा है और ये गुरु गोविंद सिंह जयंती इनके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने ही फ़ोन से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि मैं कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर चलते हैं सेटिंग पर, और सेटिंग पर जाने के बाद में आते हैं अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन पर मैंने गाइस यहाँ पर क्लिक किया है, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर है MIUI वर्जन 12.0.4, ओके। और यहाँ पर जो स्टोरेज है ये दिखा रहा है, और मतलब 47.3 GB आउट ऑफ 64 GB दिखा रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और डिवाइस नेम गाइस यहाँ पर बता रहा है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, ठीक है। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो विडगेट लगा रखे हैं वो देखिए इस तरीके से कैलेंडर का लगा रखा है, इस तरीके से ये वेदर का लगा रखा है, ठीक है। और भी गाइस कई सारे विडगेट्स हैं जो कि आप MIUI 13 से और iOS से मतलब थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, इनको गाइस आप अपने इसमें लगा सकते हो, अपनी होम स्क्रीन पर लगा सकते हो, कहीं पर भी सेट कर सकते हो। इससे पहले गाइस मैं आपको इसमें जो मैंने लॉन्चर डाला हुआ है उसको और मैं दिखा देता हूँ कि जो लॉन्चर है उसका कौन सा वर्जन है। तो सबसे पहले गाइस मैं ऐप्स पर आता हूँ, ऐप्स पर आने के बाद मैं आता हूँ मैं गाइस मैनेज ऐप्स पर, और यहाँ पर सर्च करता हूँ मैं लॉन्चर, LAUNCHER लॉन्चर। सिस्टम लॉन्चर का गाइज आप वर्जन देख सकते हो कौन सा है, ये 4.21.15 है, ठीक है। तो गाइज अगर ये जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो नहीं हो पाता है तो आप इस वाले लॉन्चर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं गाइज मेन मुद्दे पे। आपके इस वीडियो के नीचे गाइज मैंने 2 लिंक दे रखे हैं, ठीक है। उन 2 लिंक से आपको सबसे पहले एक तो APK फाइल डाउनलोड करनी है, उस APK फाइल का नाम है KWGT, ठीक है। ये KWGT एक एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल्ड किया हुआ है, तब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो इस तरीके से लिखा आएगा, डू यू वांट टू इंस्टॉल एन अपडेट और टू दिस एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। ये तो मेरे में लिखा आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आपको डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। एक तो इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद में गाइस आपको क्या करना है, ये कुछ फाइल हैं इन सभी फाइल को डाउनलोड करना है। इसकी रार फाइल मैंने दे दी है, ठीक है। रार फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है विनरार एप्लीकेशन से, ठीक है। इन सभी का जो एक्सटेंशन है वो है .kwgt.kwgt इस तरीके से, ओके। ये iOS के जो विडगेट हैं वो हैं जो कि थोड़ा बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से मिलते जुलते हैं अपने MIUI 13 से, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में, और इन सभी KWGT जो फाइल है इसका लिंक दे दिया है, डायरेक्टली क्लिक करोगे रार फाइल में ये आपको डाउनलोड हो जाएंगी। आपको क्या करना है, इस रार वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखना है, इस वाले एप्लीकेशन को, इससे आपको इनको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। डायरेक्टली आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हो पाता है तो बता देना, मैं दोबारा से इस पर डेडिकेटेड वीडियो इस पर बना दूंगा, ठीक है। सबसे लास्ट में इस तरीके से सब आप इसको डाउनलोड कर लोगे, KWGT को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा KWGT, ठीक है। आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे ही आप इसको ओपन कर मतलब जैसे आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, उसके बाद में अपने फ़ोन को रीबूट करना। रीबूट करने के बाद में आपको क्या करना है, कहीं पे भी स्क्रीन पे इस तरीके से प्रेस करके रखना है, और यहाँ पर आएगा विडगेट, विडगेट पे आपको क्लिक करना है। विडगेट पे क्लिक करने के बाद में सबसे नीचे नीचे जाना है, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कस्टम विडगेट, ठीक है, जिनमें साइज दे रखी है KWGT की 1x1 और 2x2, 4x2, ठीक है, और 4x2, 2x4, 4x4, इस तरीके से आपको साइज मिलेगी काफ़ी सारे विडगेट्स की। तो मैं यहाँ पे 4x2 है इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये 4x2 से यहाँ पे दिखाएगा लोडिंग, इस पर आपको करना है ओके, ठीक है। ये इस तरीके से ब्लैक कलर में आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख रखा है क्लिक टू सेटअप और लॉन्ग प्रेस टू रीसाइज, ठीक है। तो मैं इस पर आपको हमें क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही गाइस हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये KWGT एप्लीकेशन डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा रहा है फीचर इंस्टॉल्ड एक्सपोर्टेड बैकअप, ठीक है।
इस एप्लीकेशन को गाइज इंस्टॉल्ड करने के बाद में आपको हैंड टू हैंड अपने फ़ोन को रिबूट करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये एप्लीकेशन चलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद में गाइज यहाँ पे देखिए ऊपर फोल्डर वाला बटन आ रहा है, फोल्डर वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और जहाँ पर आपने ये जो विनरार से आपने एक्सट्रैक्ट की थी इन सभी फाइलों को, ये क्लॉक विडगेट, एक्टिविटी विडगेट, वेदर विडगेट, ठीक है, इन सभी के आपको लोकेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस तरीके से और यहाँ पर ऊपर आना है फोल्डर वाले बटन पर। अब यहाँ पर आपको डायरेक्टरी देखनी है कि आपने वो KWGT वाली फाइल कहाँ पर डाउनलोड की थी, तो यहाँ पर डाउनलोड पे आना है। डाउनलोड पे आने के बाद में देखिए यहाँ पे है iOS 14 विडगेट बाय डेवलपर चैनल, इस तरीके से यहाँ पर विडगेट पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए कैलेंडर विडगेट, म्यूजिक विडगेट, ठीक है, इस तरीके से जैसे कैलेंडर चाहिए तो मैं कैलेंडर वाले पे क्लिक कर लूँगा, ठीक है। कैलेंडर वाले पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये व्हाइट कलर में आ रहा है। यहाँ पर गाइज कई तरीके हैं, आप देख लेना, मैं यहाँ पर ये व्हाइट कलर वाला दिखाऊंगा, ये ब्लैक कलर में है, ये व्हाइट कलर में है। तो देखिए जैसे ही मैंने व्हाइट कलर पर क्लिक किया तो ये कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा ये दिख रहा है वैसा ही आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कई सारे इनके ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको एडिट करना बताऊँगा। ये नीचे लिख रखा है कैलेंडर, तो आपको इस तरीके से ऊपर करना है और यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखिए ये लिख रखा है कैलेंडर, तो कैलेंडर पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर लिख रखा है कैलेंडर, तो इस कैलेंडर को यहाँ से हमें हटा देना है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ऊपर जाके ओके पे क्लिक करना है, तो देखिए यहाँ से कैलेंडर हट गया है। इसके बाद में यहाँ पर ये नीली नीले कलर की एक लाइन सी आ रही है, हमें क्या करना है दोबारा से यहाँ से बैक पे आना है, बैक आए और यहाँ पर ये नीचे नीचे शेप में दे रखा है रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल पे क्लिक करना है। इसके बाद में ये 8 और 60 लिख रखा है, इस 8 को कर देना है बैक दबा के 0 और यहाँ से ओके, और इस 60 को करना है यहाँ से 0 और ओके, ठीक है। इसको किया हमने, वो ब्लू ब्लू कलर का हट गया है, दोबारा से बैक पे आना है। अब इसके बाद में यहाँ पर आना है आपको लेयर पे, लेयर पे आने के बाद में देखिए इसका जो वाइट कलर है इसका पूरे का स्केल दिखा रहा है, प्लस मैं करता हूँ तो देखिए धीरे धीरे ही बढ़ रहा है, ठीक है। आपको अपने स्क्रीन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर ये जनवरी है वो सबसे लेफ्ट में आ रही है, इसको हमें सेंटर में करना है। बैक आते हैं, इस पर कैंसिल पर करते हैं, ठीक है। यहाँ से आइटम पे आते हैं, आइटम पे आने के बाद में देखिए यहाँ पे लिख रखा है, इस टेक्स्ट में लिख रखा है जनवरी, तो जनवरी पे गाइज मैंने क्लिक किया। इसके बाद में इसकी पोजीशन सेट करनी है तो यहाँ पे पोजीशन पे दबाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट राइट के लिए दे रखा है, तो इसमें मैं प्लस करता जाऊँगा और ज़्यादा इसको खिसकाने के लिए इस वाले बटन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये देखिए जल्दी से जल्दी सेंटर में आ जाएगा, ओके। उसके बाद में हमें क्या करना है, दोबारा बैक आते हैं और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो 30 और 31 है ये थोड़ा नीचे जा रहा है, तो इनको सेट करने के लिए आपको क्या करना है, ये सिंपल KAL5L है, इस पर क्लिक करना है और इसके बाद में इसका जो स्केल है इसको थोड़ा कम कर देना है, ठीक है। इसके स्पेस को स्केल को कम करना है और इसकी हाइट को देखिए इस तरीके से आप कम कर सकते हो, ओके, कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पोजीशन पे आने के बाद में इसको ऊपर ऊपर नीचे आप ले सकते हो, मतलब इस तरीके से अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो कहीं पे भी। बैक आते हैं तो और सबसे लास्ट में जाके यहाँ पर है टच, टच में है ये, टच में लॉन्च ऐप में कैलेंडर आपको दिख रहा है, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा। बैक आते हैं और इसके बाद में आइटम पे आना है, सबसे ऊपर यहाँ पे है सेव, सेव वाले बटन पे गए जिस पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे सेंटर वाला बटन दबा देना है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। अब जब कभी भी डेट बदलेगी तो ये ऑटोमेटिकली 4 की जगह 5, 5 की जगह 6 इस तरीके से चेंज होता जाएगा। यहाँ पर आपका कौन सा दिन चल रहा है, मंगलवार है, बुधवार है, वो चेंज होता जाएगा, डेट चेंज होती जाएगी। कोई भी नया त्यौहार वगैरह आएगा तो उसके बारे में डिटेल आती जाएगी, यहाँ पर कौन सा महीना है वो सब आता रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये iOS वाला ही हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखिए और विडगेट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर विडगेट पर आते हैं और नीचे नीचे आते हैं, जैसे यहाँ पर है 2x2 का, तो मैंने 2x2 को लिया और यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जैसे ये हो गया वेदर का, तो वेदर पे हमने क्लिक किया है, इसी को भी गाइज हमें इस तरीके से ही सेट करना है। वेदर पे क्लिक करेंगे, वेदर पे क्लिक करेंगे, ये नीचे वेदर लिखा रहा है तो इसको गाइज हम यहाँ से हटा देंगे, ओके। यहाँ पे ऊपर गए वो ये वेदर हट चुका है, ठीक है। इसके बाद में बैक आते हैं, यहाँ पे है पोजीशन, पोजीशन में ये लेयर, पोजीशन, टच, ठीक है, वेदर है इसका जो स्क्वायर शेप में दे रखा है, ठीक है, और इसकी जो कॉर्नर्स हैं देखिए हम इसको ज़्यादा गोल कम कर सकते हैं इस तरीके से, विड्थ ज़्यादा कम कर सकते हैं, ओके। बैक आते हैं, इसके बाद में देखिए इसमें सबसे बड़ा फंडा ये होता है, जैसे नेम लिख रखा है ये केशवनपुर, हमें इस पर क्लिक करना है और इसकी जो साइज़ है इसको कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, देखिए देखिए, ठीक है।
तो गाइस ये जब आप करोगे, चलाओगे इसको, तब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तभी आप इसको सीख पाओगे, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम इस विडगेट पे क्लिक करें तो हमारा जो वेदर एप्लीकेशन है वही ओपन होना चाहिए। तो इसके लिए हमें गाइस क्या करना है, यहाँ ऊपर प्लस वाला बटन दे रखा है, प्लस वाले बटन पर टैप करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर बैक आते हैं गाइस, ठीक है, यहाँ पर आना है टच पे। टच पे देखिए यहाँ पर लिख रखा है कि प्लस साइन, आप पे क्लिक करना है। प्लस साइन पर क्लिक किया और इसके बाद में ये आया नन, नन पर क्लिक किया, दोबारा से नन पर क्लिक करना है। यहाँ पे हमें लॉन्च करवाना है एप्लीकेशन, मतलब कि हम इस विडगेट पे क्लिक करें तो हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो। तो ऐप पे क्लिक किया और ऐप पे क्लिक करने के बाद में हमारा वेदर एप्लीकेशन ओपन होना चाहिए, तो वेदर यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। जैसे ही आ गया वैसे ही हमें यहाँ पर सेव कर देना है। ओके, सेव किया, सेंटर वाला बटन दबा दिया। तो गाइस ये इस तरीके से दिखाएगा, ये जैसे अब ये 16 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि अभी ये जो टेम्परेचर है सही नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये गाइस क्या है कि आपका वेदर वाला एप्लीकेशन ओपन कर देगा, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कई सारे विडगेट इट्स एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर सकते हो, और अपना जो होम स्क्रीन है या फिर आईओएस के जैसे आप इसको सेट कर सकते हो कई काफ़ी सारे एप्लीकेशन के बीच में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि अभी MIUI 13 आया नहीं है और काफ़ी सारे लोग MIUI 13 के विडगेट्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं, यहाँ तक कि मैं भी करना चाहता हूँ। लेकिन गाइज मैं बिलीव करता हूँ ग्लोबल वर्जन पे, जब ग्लोबल वर्जन आएगा तो उसी MIUI 13 को मैं इंस्टॉल करूँगा। जो डेवलपर वर्जन है या फिर मोडेड वर्जन है उनको डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको विडगेट को इंस्टॉल करना बताया है, जो कि बिल्कुल हूबहू MIUI 13 से इंस्पायर्ड है और iOS से इंस्पायर्ड है, ठीक है। इस वीडियो को गाइज लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ मैं 100 रखता हूँ। इस वीडियो को गाइज पूरा मैंने इसलिए बताया है क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसमें समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से इस विडगेट को मतलब एडजस्टमेंट करना है, इसलिए मैंने धीरे धीरे आप लोगों को समझाया है। अगर फिर भी नहीं आता है तो गाइज आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। इस वीडियो के नीचे गाइज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो प्लीज़ गाइज आप जाके वहाँ उसको ज्वाइन कर लेना। और सबसे पहले गाइज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ही वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, जिससे काफ़ी सारे लोगों को नोटिफाइड हो जाए, क्योंकि गाइज यूट्यूब कभी कभार ऐसा कर देता है कि वो नोटिफिकेशन सेंड करता ही नहीं है। और रही बात दूसरी, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे गाइज मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक दे रखा है, डायरेक्टली उस पर जाना, फॉलो करके आप मेरे से मैसेज करके आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। इस वीडियो में गाइज सिर्फ इतना ही, अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स गाइज, लव यू एंड बाय।